आज जो है हम लोग जो है सिक्का पर आधारित प्रश्न पर बात करेंगे। सिक्का पर आधारित प्रश्न जो होता है, इस पर आधारित बहुत सवाल आता है। हर एक एग्जाम के लिए लगभग सवाल इतने रहता है। इससे हम थोड़ा सा रिलेटेड जो है जितना सवाल बनेगा उसको हम बनाएंगे। इस पर आधारित दो सवाल आता है। एक होता है मूल्य दिया रहता है, सिक्कों का मूल्य दिया रहता है, और एक आपका सिक्कों की संख्या के रूप में दिया रहता है। मूल्य के रूप में मतलब क्या हुआ कि रुपया में 5 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, इस समय क्या हुआ आपका, हुआ मूल्य के रूप में। एक होता सिक्कों की संख्या, जैसे एग्जाम्पल में बोले कि 1 रुपया, 50 पैसा, 10 पैसा के कहता है कि कुल 500 सिक्का, इसका मतलब कुल सिक्का के रूप में है। एक कहेगा 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा का कुल 500 रुपया, तो ये आपका क्या है मूल्य के रूप में दिया हुआ है। तब मूल्य के रूप में यदि दिया रहेगा तो अनुपात को हम मूल्य में बदलेंगे। यदि निश्चित राशि यदि सिक्कों की संख्या में दिया रहेगा तो अनुपात को किस में बदलेंगे, संख्या में बदलेंगे। ताज जो है हम लोग मूल्य में पर आधारित प्रश्न बताएंगे कि मूल्य पर आधारित प्रश्न कैसे आता है, नहीं आता है, क्या रहता है। तो पहला सवाल आपका कहता है क्या, पहला सवाल आपका है कि मनु के पिग्गी बैग में 50 पैसा, 1 रुपया तथा 2 रुपया के रूप में कुल 221 रुपया है। तो मनु का एक पिग्गी बैग है जिसमें क्या है 50 पैसा, दूसरा है 1 रुपया, तीसरा 2 रुपया का कुल कितना रुपया है 221 रुपया है। 221 रुपया है जिसका अनुपात कहता है कि 4:3:6 के अनुपात में। तो यही बात आपको हम बोले थे, क्या बोले कि यदि निश्चित राशि रुपया में दिया रहेगा तो अनुपात को भी रुपया में बदलेंगे। रुपया में कैसे बदलेंगे जो देखेंगे। यदि 50 पैसा का 4 सिक्का मिलता है तो रुपया में बदलने का मतलब 50 पैसा का 2 सिक्का मिलकर के 1 रुपया का निर्माण करता है। तो इसमें 50 पैसा का 4 सिक्का तो कई रुपया होगा, 2 रुपया होगा। हम लोग मुझे वाली करेंगे लेकिन फिर अभी लिखते हैं। 1 रुपया का 3 सिक्का तो 1 रुपया का 3 सिक्का तो 3 रुपया होगा। 2 रुपया का 6 सिक्का तो 1 और 2 रुपया का रहता तो 2 रुपया कहते, 6 सिक्का तो 6 × 2 = 12 रुपया हुआ। यानी 12 × 3 = 17, इसका मतलब कुल यहाँ मिलाकर के 221 रुपया है, यहाँ कुल कितना है 17 रुपया। अब जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना करेंगे। तो सवाल आपका पूछता है क्या कि तो पिगी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। तब 50 पैसा का कई गो सिक्का है, 4, तो 4 से गुना करेंगे। 1 रुपया का सिक्का पूछता था 3 से गुना करते, 2 रुपया का सिक्का पूछता था 6 से गुना करते। देखते हैं इसको काट के, 17 × 1 = 17, बचेगा 5 × 17 = 51, तो 13 × 4 = 52। तब कुल 50 पैसा का जो सिक्का होगा वह कै गो होगा, 52। अगला सवाल पर बात करते हैं बाबू, आप लोग बताइएगा। एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के हैं। अभी क्या कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 25 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, 10 पैसा का सिक्का है और 5 पैसा का सिक्का है। 5 पैसा का सिक्का का रेशियो कहता है कि 1:2:3 के अनुपात में। यदि बैग में कुल मिलाकर के 30 रुपया, कुल मिलाकर के 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए बाबू इसको हम कैसे बनाएंगे। 25 पैसा का 1 सिक्का, यदि 1 सिक्का है तो 25 पैसा होगा। 10 पैसा का 2 सिक्का, इसका मतलब 10 पैसा का 2 गो सिक्का। 5 पैसा का 3 सिक्का, इसका मतलब 5 पैसा का कई गो, 3 गो। तो यदि यहाँ पर रुपया में दिया हुआ है तो इसको भी किस में बदलेंगे, रुपया में। और रुपया में बदलने का तरीका क्या है कि 25 पैसा का 1 सिक्का है तो 25 पैसा होगा, ठीक है। 10 पैसा का 2 सिक्का तो 10 × 2 = 20 पैसा होगा। ये 5 × 3 = 15 पैसा होगा। कुल मिलाकर होगा कितना, 25 और 20 = 45 और 15 = 60। तो 60 पैसा
यहाँ पर क्या है रुपया, तो पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, तो यह निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करना। अब जिसको निकालना होगा उसको हम गुना करेंगे, यदि 25 पैसा का सिक्का पूछेगा तो 1 से गुना करेंगे, और 10 पैसा का सिक्का बोलेगा तो 2 से गुना करेंगे, 5 पैसा का सिक्का बोलेगा तो 3 से गुना करेंगे। तो हमको सवाल में बोल रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना था, 3 से गुना करेंगे। देखिएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा, 50 दूनी 100 ऊपर चला जाएगा, तो 50 दिया 150। अगला बात करते हैं, अगला सवाल आपका कह रहा है क्या कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है जिसमें 5:6:8 में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, कितना कितना का है, 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा का सिक्का है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का जो सिक्का है वह 5:6:8 में है, कुल मिलाकर कहता है कि यहाँ पर जो है 60 रुपया। 60 रुपया का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया ला 50 पैसा 25 पैसा कुल मिलाकर के धन जोगा है तो बोलता है कि 60 रुपया होता है। तो पूछ रहा है क्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा कि यदि रुपया में दिया हुआ तो सबको रुपया में बदलेंगे, तो देखिएगा 1 रुपया का 5 सिक्का तो 5 रुपया हुआ, 50 पैसा का 6 सिक्का तो 3 रुपया हुआ, तो 5 और 3 8, 25 पैसा के 8 सिक्का तो 4 सिक्का मिलकर 1 रुपया का निर्माण करता तो 8 सिक्का, तो 2 रुपया का निर्माण करेगा, फिर से देखेंगे तो 2 रुपया ही होगा 3 रुपया ही होगा, तो 2 और 3 5 और 5 और 5 10। अब जिसके बारे में बोलेगा उसको हम गुना करेंगे, तो कह रहा है कितना के 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो कितना से गुना करेंगे 8 से, इससे ही खत्म हो जाएगा, 8 6 48 सिक्का, कितना वाला 25 पैसा। चलिए एक सवाल और लेते हैं, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा पैसे के सिक्के हैं जिसका रेशियो दिया हुआ है 5:4:3 के अनुपात में, 5:4:3 के अनुपात में है, पांच अनुपात चार अनुपात तीन के अनुपात में है, यदि सिक्कों का कुल मूल्य 171 रुपया, यहाँ कह रहा है 171 क्या है बाबू रुपया, तो इसको भी बदलेंगे रुपया में, रुपया में कैसे होगा, तो 50 पैसा के 5 सिक्का होता है, तो ये 2 सिक्का मिलकर के 1 रुपया का निर्माण करता है, तो 5 सिक्का है तो कितना जाएगा 2 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा के 4 सिक्का है तो 1 रुपया, 10 पैसा के 3 सिक्का है तो 30 पैसा, 10 दिया 30 तो हो जाएगा 2 और 1 3 रुपया, 50 और 30 80, तो 3 रुपया 80 पैसा, 80 पैसा ऐसे भी लिख सकते हैं 80 पैसा। तो कहता तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, हर प्रकार मतलब 50 पैसा का कितना सिक्का, 25 पैसा का कितना सिक्का, 10 पैसा का कितना सिक्का, तो 50 पैसा वाला बोलेगा तो 5 से, 25 पैसा का बोलेगा तो 4 से, 10 पैसा का बोलेगा तो 3 से। तो देखिए बाबू इसको हटाएंगे, इसको आप काट भी सकते हैं दशमलव बाद, यहाँ 0 लिख दिए, 19 दूनी 38, 19 नामा 71 से, 45 दूना 90, तब 45 पचे होता है 225 सिक्का होगा, अच्छा 45 चौका 180 सिक्का होगा, अब 45 दिया 135 सिक्का होगा, यानी 50 पैसा का होगा 225 सिक्का, 25 पैसा का होगा 180 सिक्का और 10 पैसा का होगा 135 सिक्का। चलिए आगे की ओर चलते हैं, कहता सूरज के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 पैसे के सिक्के हैं,
सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो जो दिया हुआ पहले उसको हम लिखते हैं। तब 50 पैसा का है, 1 रुपया का है और 5 रुपया का है, जिसका रेशियो कहता है कि 8:5:9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 रुपया है। तो रुपया में दिया हुआ है बाबू, तो अनुपात को भी हमको रुपया में बदलना होगा। तो कहता 50 पैसा के कितना सिक्का। तो देखिएगा बदलने का तरीका, आप लोग इतना में देख लिए होंगे कि 50 पैसा के 8 सिक्का, इसका मतलब 4 रुपया हुआ, और 1 रुपया का 5 सिक्का है तो 5 रुपया ही हुआ। तो 5 × 4 = 9, अब 5 रुपया का 9 सिक्का, तो 9 × 5 = 45, अब 45 रुपया हुआ इधर, इधर कितना हुआ 5, 45 × 5 = 50, और 50 × 4 = 54 रुपया होगा। तब पूछ रहा है किसके बारे में, 50 पैसा के बारे में, तो 8 से गुना करेंगे। तो देखिएगा 9 से कटता है, 9×6 = 54, 9 से काटते हैं, 9×6 = 54, 9×7 = 63 बचेगा 1, 9×2 = 18, तो 12×6 = 72, बरोठी 96। तब 50 पैसा का सिक्का जो होगा कै गो होगा, 96। आगे बात करते हैं रमेश के पास। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। अगला सवाल है कि रमेश के पास 50 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 1 रुपया और 5 रुपया का के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपया है, उसके पास कुल मिला करके 116 रुपया है। तो कहता है उसके पास 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसा का सिक्का पूछा, तो यहाँ 116 रुपया है, तो यहाँ 50 पे यहाँ रुपया में जब दिया हुआ तो इसको रुपया में बदलेंगे, और रुपया में बदलने का तरीका क्या है, 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया हुआ, 1 रुपया का 3 सिक्का 3 रुपया हुआ, तो 1 रुपया 3 रुपया 4 रुपया हुआ, जैसे हुआ नहीं 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया, 1 रुपया का 3 सिक्का 3 रुपया, 5 रुपया का 5 सिक्का, तो 5×5 = 25, 25×3 = 28, 29 हुआ। अब जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना करेंगे, तो कहता है क्या कि 50 पैसे के कितना सिक्का, तो 2 से गुना करेंगे, 29×4 = 79, 4×2 = 8। तो देखिए आज जो है हम टाइप 1 सिक्का पर आधारित प्रश्न जो है टाइप 1 पर चर्चा किए। देखिए बाबू पढ़ाई करते हैं मन से पढ़िए, सिक्का पर आधारित प्रश्न आपसे अब कभी नहीं छूटेगा, कि वो आपका आज का सेशन में टाइप 1 हुआ। अब हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे टाइप 2 पर, बारी बारी से आप लोग को ऐसे हम बताइले चलेंगे। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी आप सीख पाइएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा।